नमस्कार प्यारे बच्चों तो आज हम बिजनेस मैथ्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस मैथ्स का इतना बड़ा सिलेबस और आपका जिसके अंदर कैलकुलस वन कैलकुलस टू भी है इसमें इंटीग्रेशन भी है डिफ्रेशिएशन भी, भी है और साथ में मैथमेटिक्स और फाइनेंस का एक पूरा का पूरा वास्ट जो है सिलेबस भी है उसके साथ साथ में मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग इसको कैसे मैनेज करेंगे और आज का सेशन उन बच्चों के लिए भी है कि वो बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो किस तरीके से अपने मैथ्स को मैनेज करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है हमने टेंथ के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा अब कॉलेज में हमें मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है तो इस सिचुएशन में कि हम किस तरीके से सिलेबस को मैनेज करें या फिर हमारा मैथ्स था भी तो वीक था मैथ्स में कोई ख़ास हम इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन अब मैथ्स का एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको कैसे हमें मैनेज करना है क्या हम पास हो सकते हैं तो बच्चे इवन यहाँ तक अपने माइंड सेट कर चुके हैं कि वो शायद पास नहीं हो पाए बच्चे पास किया आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे आपके यूट्यूब चैनल पर ही शॉर्ट्स में ही आप देख लेंगे लास्ट ईयर के रिजल्ट्स लगाए हुए मैंने बहुत सारे बच्चे का मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था वो पासिंग मार्क्स के बारे में सोच रहे थे और उनका बहुत अच्छा 80 90 परसेंट तक उन्होंने मैथ्स के अंदर स्कोर किया है क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको टीच करूंगा और आपके जो है बी कॉम ऑनर्स ऑरेंटेड आपको मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि यूट्यूब पे जो रायता फैला हुआ ना उस रायते से आप बचकर रहिएगा नहीं तो वो रायता आपके जीवन में आकर आपको जीवन का रायता बना देगा क्यों क्योंकि आप जो यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हैं दो क्वेश्चन यहां से दो क्वेश्चन वहां से दो क्वेश्चन वहां से देख रहे हैं आप और आपका जो बीकॉम ऑनर्स ऑरेंटेड है बीकॉम ऑरेंटेड है वो जेके ठकुराल है मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं और आपको वो क्वेश्चंस फेस करने चाहिए लेकिन वो क्वेश्चंस तो आपको दूर दूर तक तो देखने को नहीं मिल रहे हैं कहीं पूरे यूट्यूब पे लेकिन बस आप क्या हो कि आप उसी रायते को आप समेटने में लगे हुए हो जो कि आप समेट नहीं पाओगे पेपर तक और उसमें से आपका दस भी आपके एग्जाम ऑरियंटेड कंटेंट नहीं है या तो पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ खत्म है उसका लेवल ही नहीं है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और लास्ट टू ईयर्स से बिजनेस मैथ्स का सबसे टफ क्वेश्चन पेपर बन के आ रहा है आप ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप 2023 और आप 22 पे जाइए और देखिए जो बिजनेस मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो किस लेवल के आए हैं सबसे ज्यादा टफ मैं कहता हूं एज अ टीचर होने के बाद भी मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ भैया पेपर बहुत टफ था रीजन यही है मेरे लिए मैं तो टफ बोलूंगा ही क्योंकि मैं आपके प्रस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं और आपके लिए टफ क्यों क्योंकि आप यूट्यूब पर रायता लपेटने में लगे हुए हो तो चलिए पहले मैं बेसिक पहले मैं सारे कोर्स की बात कर लूँ आपके बी कॉमर्स के Uh, जो कोर्सेस हैं वो सारे कोर्सेस आपके जो हैं uh, इस समय 499 में आपका अवेलेबल है चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो चाहे फाइनेंशियल अकाउंट हो और जितने भी कोर्सेज हैं आपके अगर मैं आपके कोर्स की बात करता हूँ मैं भी बिजनेस मैं आपसे वापस आऊँगा उसके स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो ये आपके इनकम टैक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैथ ये कोर्स आपका बिजनेस स्टाइटिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये कुछ कोर्सेस हैं आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस स्टाइटिक्स ये सारे कोर्सेस आपके बच्चे इस समय 499 में आपके आपके पास में अवेलेबल है तो आप जो बच्चे YouTube के भरोसे अगर बैठेंगे तो मैं आपको ये बात क्लियर और स्पष्ट मैं आपको बोल देता हूँ हमारी कोशिश है कि YouTube पे हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा पाएँ लेकिन जो पेड़ के अंदर एक जो रेगुलर क्लासेस चलती है जो एक कंटेंट सिस्टमेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है कंटेंट सिस्टमेटिकल ऑर्डर में अरेंज किस तरीके से होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस मैथ्स की ही बात करता हूँ और बिजनेस मैथ्स में एक लाइव क्लासेस है कंटेंट एंड पी है मैं इसके अंदर जो है बिजनेस मैथ के मैं कंटेंट में जाता हूँ ठीक है कि ये मेरे पास से पूरा एक कंटेंट है तो कंटेंट में सही तरीके से आप पढ़ पाते हो क्योंकि कंटेंट में पहले एक टाइम टेबल है एक फ्री डेमो क्लासेस है वो आप ले सकते हैं वो आप देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है अरे हंड्रेड समझ में आएगा यार आज तक मेरे बारह साल के करियर में हुआ नहीं कि बच्चे को समझ में नहीं आया हो क्वेश्चन चाहे कैसा ही बच्चा हो इवन आप गाय बकरी भैंस को भी लइे वो भी सीखना चालू कर देगा वो सवाल ही पैदा नहीं होता है आपकी मैथ्स कितने वीक हो आप समझ नहीं सकते हो फिर भी एक डेमो क्लासेज से तसली के लिए देख लीजिए लेटेस्ट क्लास जो लाइव क्लासेस समय जो चल रही है प्री रिकॉर्डेड क्लासेस जो कि एक से डेढ़ महीने पहले मैंने एडवांस में रिकॉर्ड करके सारा का सारा पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया है क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अपनी अलग होती है कुछ बच्चे बड़े फास्ट तरीके से कवर करते हैं कुछ के अपने इंटरनल्स में कुछ और आ रहे होते हैं तो वो अलग अलग चैप्टर की डिमांड करता है तो एक रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने पूरा फुल कंप्लीट कोर्सिस का देख रहे हो कितने वीडियोज है नाइनटी वन वीडियोज है कितने है बच्चे नाइनटी वन वीडियो हैं डेली भी अगर आप एक घंटा देखने में वीडियो लगा दोगे तब भी आपको तीन महीने लग जाएंगे इस वीडियो को कवर करने में अब देख लो आपके पास में अब आप आपका सितंबर भी मिड पे आ गए हो आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर आप अभी भी लेते हो तो भी आपका कोर्स कंप्लीट दिसंबर में मुश्किल हो पाएगा तो मैं अब आपको यही बात कह रहा हूं कि अब आप इससे भी ज्यादा देरी हो जाते हो तो एक होता है कि भैया कुल्हाड़ी पर पैर मारना ठीक है ना यह वाली बात हो जाएगी कि आप जो है जानबूझ करके फेल होने के और आगे बढ़ रहे हो तो अलर्ट हो जाओ अवेयर हो जाओ एक स्टूडेंट हो पढ़ने का बिहेवियर बनाइए पढ़ने का स्वभाव बनाइए तभी पढ़ पाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर आपको टाइम पास के तौर पर चलो अब तक तो पास होते आए हो जाएंगे सब में हो जाओगे बिजनेस मैथ्स में नहीं हो पाओगे क्लियर है अब भगवान करे आप बिजनेस मैथ्स में पास हो जाओ अगर आप ना भी पढ़ो तब भी पास हो जाओ मेरी तरफ से तो यही विशेष है लेकिन सच्चाई है टीचर होने के नाते मैं आपको अवगत करवा रहा हूँ कि भैया अगर आप दो ढाई तीन महीने पहले से बिजनेस मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हो आप बिजनेस मैथ्स में पास नहीं हो सकते हो लास्ट के पंद्रह दिन में पढ़ करके कितने में एफर्ट लगा लो हम तो लास्ट के एक दिन पहले भी कोर्स आपके लिए ओपन रखेंगे आओ आप ले लो लेकिन वो तो आपको इसी रेट पे लेना पड़ेगा लेकिन उसमें आप पास नहीं होंगे ये बात मैं अभी से बोल के चल रहा हूं आपको लेटेस्ट क्लासेस में आपके पास में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में जैसे कैसे मिलता है यूट्यूब इसमें क्या फर्क है यूट्यूब पर सबसे पहले अगर आप अदर चैनल पर जाए तो बच्चे आपका आपके एग्जाम और बिल्कुल भी कोर्स नहीं है वो सब फेल होने के रास्ते हैं दूसरा आपके पास में मैं बात करता हूं कैलकुलस कैलकुलस में ट्वेंटी नाइन वीडियोज हैं आपके और कैलकुलस के अंदर जाते हैं तो कैलकुलस के दो पार्ट हैं एक आपका कैलकुलस वन एंड कैलकुलस टू बेसिक कैलकुलेशन इसमें इंटीग्रेशन है कैलकुलस टू बेसिक कैलकुलेशन में आपका अठारह वीडियो है एंड कैलकुलस टू में आपके पास में ग्यारह वीडियो है कैलकुलस वन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा कैलकुलेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंशिएशन के अंदर मैंने आपको कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं चेन रूल क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल ये सारे चीज़ सिखाया जिसके पास इलेवन ट्वेल्थ में नहीं थी वो भी सीखे तो उसमें छह वीडियो हैं हर वीडियो की अपनी एक फाइल है जैसे इस वीडियो में जो पढ़ाया उसकी मैंने फाइल उसके साथ में अटैच की हुई है वीडियो पढ़ाया इसके साथ में इसकी फाइल अटैच की हुई है क्लियर है कि ये पार्शियलिटी क्या होता है लाइक like अगर आपके पास में चेन रूल चेन रूल मैंने क्वेश्चन करवाया तो उसके मैंने क्या करके पीडीएफ अभी ओपन नहीं होगा क्योंकि कोर्स बाय नहीं किया हुआ है ठीक है बच्चे तो इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा रखा यही तो फायदा है दो ढाई तीन चार पाँच पाँच सौ रुपए बचा करके आप यूट्यूब पे इतना मगज मारी करोगे इतना यहाँ से वहाँ जाओगे उस अच्छा आप इस कोर्स को ले लो ठीक है बच्चे इस कोर्स को लो कहीं भी लो कुछ भी लो या थोड़ा जहाँ सिस्टेमेटिकल ऑर्डर में होता है वहाँ पढ़ो पैसे बचाने के हमारे पास में बहुत सारे रास्ते हैं पैसा बचाना है एक दिन पिज्ज़ा स्किप कर दो वहाँ पैसे बच जाएंगे पैसे बचाना है कहीं घूमने का प्लान है उसको थोड़ा स्किप कर दो वहाँ पैसे बच जाएंगे पैसे नहीं है तो कहीं पर भी आप पार्ट टाइम चार पाँच घंटे आप काम कर कर के भी आप

का नाम भी है एप्लीकेशन डिफेशन पहले कोस्ट फंक्शन के बारे में फिर एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन फंक्शन है एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है है पक्का आता ही क्वेश्चन क्लियर है, है। बच्चे एंड नेचर ऑफ गुड्स पक्का आता है क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और सप्लाईम प्रॉब्लम हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आएगा क्लियर है बच्चे तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास में इफेक्ट ऑफ द टैक्स ऑन द मोनोप्लिस प्राइसिंग क्वांटिटी क्वान्टिटी लगेगा बिजनेस में से इकोनॉमिक्स भी पूरी तरीके से इसके अंदर आपके रन करेगी जब आप डिफिनेशन पढ़ रहे होंगे तो क्लियर है बच्चे अब डिफरेंशिएशन को पढ़ने के बाद अगर आप जा जाते हैं तो ये मैंने बता दिया कैलकुलस में कैलकुलस वन है कैलकुलस टू भी है इसमें चलिए कैलकुलस से पहले अगर मैं बात करता हूं बेसिक टर्म ऑफ मैट्रिक्स है टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है प्लस माइनस डिवाइड मेटिस्ट तो मैट्रिक्स के अंदर भी अगर आप जाते हो तो इतने सारे वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं ये स्टार वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लियर है बच्चे स्टार वाले क्या है आपके ये स्टार वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कैलकुलस टू में भी आप देखेंगे एडवांस कैलकुलस के नाम से जिसके अंदर के आपके पास एप्लीकेशन और पार्सल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की पांच वीडियो ग्यारह वीडियो है क्लियर है और आपके पास में इन सभी क्वेश्चनों पे मैं स्टार भी लगा रहा हूं जिससे कि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो इंटरनेट थोड़ा स्लो है ये देखिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ मैथामेटिक्स ऑफ फाइनेंस में ट्वेंटी थ्री वीडियोज है ठीक है बच्चे और इस बार जो मैथामेटिक्स ऑफ फाइनेंस आपका मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका मोर देन थर्टी फाइव से ज़्यादा वीडियो तो आपके लेक्चर हंड्रेड से अब अब जाने वाले हैं हंड्रेड से इजिली वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव चले जाएँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके बाद आपके पास में जो है मैथेमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में आपका एन ओ टी से क्वेश्चन आएगा आए ही आएगा तो आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में देखें आपका क्या एन ओ टी से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में कंपाउंड चेंज रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आपके पास में ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास में इक्वेशन ऑफ वैल्यू परसेंट वैल्यू क्लास इफेक्टिव रेट्स इंटरेस्ट ऑफ कंपाउंड कॉन्टली क्लास ये सारी चीज़ें आपके पास में है ये किस में आपका ये आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस में तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा कोर्स आपका एनिटी है सब कुछ है पूरा वेल well मैनेज्ड आपका कंटेंट में आपको मिलेगा जब आप कंटेंट में जाते हैं ये सारे आपके यूनिट्स हैं ये आपके पास में यूनिट्स मिलेंगे ये असाइनमेंट ऑफ कैलकुलस है असाइनमेंट दे रहा हूं इसे प्रीवियसर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट चार से पांच साल के तो ये कोर्सेस है तो आप सही बच्चे ज्वाइन कर लीजिए लास्ट के टू ईयर का पेपर बड़ा टफ आ रहा है मैथ आ, आपका वैसे भी बिजनेस मैथमेटिक्स अपने आप में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स की बहुत सारे टर्म्स हैं तो इकनॉमिक्स और मैथ्स का पूरा कॉम्बिनेशन है और इसको डिफ्रिशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ है आपके पास में इसलिए आप बिल्कुल भी देरी नहीं करें और सारे कोर्सेज आपके लिए इस समय अवेलेबल हैं तो थैंक यू जी थैंक यू सो मच आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए जो बच्चे अब मैं बात करता हूँ स्टडी प्लान की तो सबसे पहले वो बच्चे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है मैं उसकी बात करता हूँ उससे पहले क्या उठाना चाहिए आप सबसे पहले मैट्रिक्स उठाइए आप आसानी समझेंगे और मैट्रिक्स में ट्वेंटी वन वीडियोज़ है तो ऐटा एग्जाम टाइम में इतने ज़्यादा क्लासेस कवर भी नहीं कर पाओगे आप तो सबसे पह, उसकी प्रैक्टिस में भी आपको एक ही क्वेश्चन करने में आपको दस पंद्रह पंद्रह मिनट भी लग सकते हैं तो इसलिए सबसे पहले मैट्रिक्स करो इसमें आपका समय है मैट्रिक्स एंड डेटा मिनट्स करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए अब आपको उसके बाद मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उठाना चाहिए क्लियर है लेटेस्ट में से जो लेटेस्ट क्लास है मैथामेटिक्स और फाइनेंस की उसके बाद क्या करना चाहिए उसके बाद आपको फिर कैलकुलस वन उठाना चाहिए फिर आपको कैलकुलस टू उठाना चाहिए जब आप कैलकुलस वन कैलकुलस टू कर लोगे देन लास्ट फाइनल आपको लीनियर प्रोग्रामिंग लेना चाहिए क्लियर है बच्चे तो सबसे पहले आप लीनियर प्रोग्रामिंग मत लेना ऑर्डर क्या है पहले मैट्रिक्स एंड डिटर सेकंड क्या है मैथामेटिक्स और फाइनेस उसका कैलकुलस वन फिर कैलकुलस टू उसके बाद फिर लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपका ऑर्डर होता है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था जिनका मैथ्स बैकग्राउंड था आप भी सेम ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो बेटर है क्योंकि जो ज्यादा डिटेल में है उसको अगर आप इस समय कवर कर लें जब आप पे टाइम है तो कवर कर लेंगे एग्जाम टाइम में आप उसको कवर करें जो कि आपके छोटे और चैप्टर्स हैं कम वीडियोज हैं जिसके अंदर क्लियर है बच्चे तो इस तरीके से पढ़ने का आपका ऑर्डर है क्लासेस सारे रिकॉर्डेड है सारे क्लासेस आपके लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी इसके अंदर डिस्कस है तो आप कंटेंट में जाओगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक मैनेज होकर के आपको मिलेगा क्लियर है बच्चे तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस पे जो आपका शेड्यूल है उस पर ही चलेंगे मैथामेटिक्स और फाइनेंस में एनुटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे जा चुका है वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में हंड्रेड परसेंट आएगा ही आएगा लिखवा लो और लास्ट के दो साल क्वेश्चन में मैं वो चीजें दिखाऊंगा आपको कि क्वेश्चन कैसे आया था वो हमारा जो है आज लाइव से, लाइव से, सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे थैंक यू जी थैंक यू सो मच